खबर मध्य प्रदेश के देपालपुर से है, जहां जिम्मेदार अधिकारी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देपालपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पुलान में गोबर और कूड़े घर का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहां की मूलभूत सुविधाएं भी केवल कागजों तक ही सीमित है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब ग्राम पंचायत की तहकीकात हकीकत देखने एमकेएन न्यूज की टीम पहुंची तो ग्राम पंचायत भवन पर ताला जड़ा हुआ मिला। इतना ही नहीं, जिम्मेदारों ने फोन तक नहीं उठाया। ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचारों को परत दर परत एमकेएन न्यूज चैनल आपको अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। ऐसा ही एक ग्राम पंचायत में उसके मुखिया और सचिव और सरपंच की मनमानी की एक और कागजपाई हम आपको उजागर करते हुए, पंचायत में जो रोड कागजों पर बने हुए वो वास्तव में जमीन पर कुछ भी बना हुआ नहीं है। जो गटर है कागज में बनी हुई है वो मूलभूत जमीन पर नहीं बनी हुई है। हम एक भी गटर इस गांव में मापक के दायरे में नहीं आती है। जो भी काम सरपंच द्वारा करा गया है पूरी तरह से भ्रष्टाचार, और अनेक बिल ऐसे लगाए गए हैं जो जिनकी दुकानें नहीं है उनके नाम से बिल बनाए गए हैं, जिनके डेम्पर वगैरह गिट्टी के नहीं है उनके नाम से बिल बनाए गए हैं, और अन्य भ्रष्टाचार। इसके लिए हम दोहरे बिल मांगे हैं पर प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ के शिकायतकर्ताओं ने बहुत आगे तक शिकायत की है। अब देखना है आने वाले समय में कि अधिकारी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और शासन अपना दायित्व किस प्रकार ईमानदारी से निभाती है। एमकेएन न्यूज चैनल के लिए आशीष शर्मा के साथ अमिता सिंह की रिपोर्ट। पानी आए दिन आता रहता है जी, इसके बारे में हम लोग सभी लोगों को सूचना दे चुके हैं पंचायत को भी जी, जो अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। आजकल बताते रहते हैं वो आए दिन जी, कल हो जाएगा, चार दिन बाद हो जाएगा जी, है ये चीज चल रही है। गांव में जहां रिवासी क्षेत्र है वहां पर ये घूरे नहीं होना चाहिए जहां गोबर वगैरह डल रहा है जी। ये हर जगह समस्या से आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं और यहाँ पर भी है, गाँव में भी है, जिन जिनके घर हैं वो अपने वहीं डाल रहे हैं, तो वो भी गलत है।